दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस, आपका अपना होम स्कूल। आप सीखने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम, और आज का हमारा टॉपिक है भारत महिमा। ये आपकी टेक्स्ट बुक की पहली इकाई का फर्स्ट चैप्टर है और ये एक कविता है। इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कवि का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1890 वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ था, और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि मल्टी टैलेंटेड थे ये। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध थे। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। तो ये जो कवि हैं, इनकी जो भी रचनाएं होती हैं, उन सभी रचनाओं में हर जगह भारत के गौरवशाली अतीत, यानी कि भारत का जो पास्ट था, जिसमें बहुत सारी उनकी गौरव की गाथाएँ हैं, उन सबका जिक्र होता है, और ऐतिहासिक विरासत, भारत को उनके पूर्वजों से क्या क्या विरासत में मिला है, उसके दर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे झरना, आंसू, लहर, ये सब कविताएं हैं, और एक महाकाव्य है कामायनी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब ऐतिहासिक नाटक है उनकी रचनाओं में। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं। कंकाल, तितली, ईरावती, ये उपन्यास आदि इन्होंने लिखे हैं। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो कवि हमसे कहते हैं कि हम सभी को अपने देश पर गर्व करना चाहिए, और इसके साथ ही जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो, तब हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहें, यानी कि तैयार रहें। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा सर्वस्व, तन, मन और धन, इन सभी चीज़ों से हम तैयार रहें देश की रक्षा के लिए, देश का मान बनाए रखने के लिए। तो आइए कविता स्टार्ट करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि भारत की महिमा गाते हुए कहते हैं कि हमारा ये जो प्यारा भारत देश है, ये कैसा है, हिमालय के आंगन के समान है। और यहाँ उषा, उषा यानी कि भोर, जो अर्ली मॉर्निंग होता है ना, भोर, ये उषा क्या कर रही है, सुबह जब आती है तब वो अपने साथ सूर्य की किरणों का उपहार लेकर आती है इस भारत भूमि के लिए। उपहार यानी कि गिफ्ट। उषा ने हस अभिनंदन किया, अभिनंदन करना, अभिवादन करना, जैसे ग्रीटिंग करते हम किसी को मॉर्निंग में, अगर आप किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, या इवनिंग में मिलते हैं तो गुड इवनिंग, ये होता है ग्रीटिंग का तरीका। तो उसी तरह से उषा यानी कि भोर, सुबह जो है, वो मानो हंस कर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। और जब मॉर्निंग में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुबह सुबह ओस की जो बूंदें होती हैं वो धरती पर गिरी हुई होती हैं, और उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सूर्य की रोशनी पड़ते ही हीरे की तरह चमक उठते हैं। तो हीरा का हार, मानो उषा ने भारत भूमि को हीरों का हार पहना दिया हो। अगली लाइन में भारत की महिमा गाते हुए कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी कि प्रकाश, उजाला। व्योमतम, व्योम का मतलब होता है आकाश, और तम मतलब अंधेरा, और पुंज, पुंज यानी कि समूह, ग्रुप।
तो यहां पर इसका मतलब है आकाश में अंधेरे का समूह। अखिल, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। और संस्कृति यानी कि संसार, सृष्टि, पूरी सृष्टि। अशोक, जहां पर शोक ना हो, शोक रहित धरती, यानी कि शोक यानी कि दुख, तो दुख के बिना जो धरती है। कवि कहते हैं सबसे पहले ज्ञान का जो सवेरा है वो भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जगे, ठीक है। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, पहले हम जगे और फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, यानी कि विश्व को हम जगाने लगे। और इसके कारण ही पूरा संसार, लोक यानी कि संसार, इसके कारण ही पूरा संसार अलौकिक हो उठा, यानी कि पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अज्ञान रूपी, जो आकाश में जो अंधकार था, आकाश में अंधकार का जो समूह था वो कैसा था, अज्ञान रूपी अंधकार था वो। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि जो है, अखिल सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है वो हो उठी अशोक, यानी कि सभी दुखों से दूर हो गई। सृष्टि का जो भी दुख था, जो अज्ञानता के कारण था, वो सब दूर हो गया। तो भारत इतना महान है कि सबसे पहले ज्ञान का सवेरा भारत में हुआ और फिर भारत ने विश्व के सभी देशों में अपने ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण पूरी सृष्टि जो है वो ज्ञान के प्रकाश से भर गई और इससे अज्ञानमय जो अंधेरा था उसका पूरा समूह ही नष्ट हो गया और यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि जो है वो दुख से मुक्त हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल, विमल का मतलब होता है पवित्र वाणी। तो पवित्र वाणी है जिसकी, वो कौन है, सरस्वती माँ। कोमल कर यानी कि बहुत ही सॉफ्ट हाथों में, कर यानी कि हाथ। सप्रीत प्रेम के साथ। सप्त स्वर सात स्वरों का समूह। सप्त सिंधु सात सिंधुओं का समूह, सेवन माउंटेन रेंजेस। साम संगीत सामवेद, जो संगीत का एक वेद है सामवेद। तो यहां कवि कहते हैं कि वीणा की देवी सरस्वती, वीणा की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल, उनका हाथ जो है वो कैसा था, कोमल था, और किस प्रकार, जिस प्रकार कमल का फूल कोमल होता है उस प्रकार अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठा ली। वीणा ये सरस्वती माँ के हाथों में होता है, आपने उनके पिक्चर में देखा होगा, ठीक है, सरस्वती माँ की जो फोटो होती है उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि उनके हाथों में एक वीणा होती है, वाद्य होता है। तो सरस्वती माता ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में सप्रेम यानी कि प्रेम के साथ वीणा उठा ली है और जिसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वर गूंज उठे हैं। मधुर संगीत का तब जन्म हुआ और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। तब जाकर इसी भारत की भूमि पर संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। आगे कवि कहते हैं विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ लोहे का अर्थ है शस्त्र यानी कि हथियार, वेपन्स। भिक्षु, भिक्षु का मतलब होता है याचक, भिखारी। तो यहाँ पर हमारे देश के जो सम्राट हैं उनका एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर कभी भी देशों को नहीं जीता, ठीक है। विजय केवल लोहे की नहीं होती है,
यानी कि भारत ने कभी भी शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही सभी लोगों के मन में धर्म की भावना बनी हुई है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है और इसी धर्म का धरा पर धूम मचा हुआ, यानी कि पूरी पृथ्वी भारत के इस धर्म ज्ञान पर झूम उठी है। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी सम्राट हुए हैं भारत में जो अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु का रूप धारण कर लेते हैं और संसार में घूम घूम कर घर घर घूम घूम कर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जीवन को सही रूप में जीने का अर्थ बताते हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी यानी मोहम्मद, गोरी चीन हमारा पड़ोसी देश। स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है यहाँ पर? स्वर्ण भूमि जावा को कहा गया है। शील, शील का अर्थ है पंचशील यानी कि हमारी वैल्यूज। सिंहल यानी कि श्रीलंका। यहाँ कवि कहते हैं कि हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया, उसे दया का दान दे दिया और हमारे देश से ही चीन में धर्म की दृष्टि मिली है। चीन में भी हमारे देश ने धर्म का प्रसार किया है जिससे चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। तो यहाँ से पता चलता है कि जावा और श्रीलंका के लोगों में पंचशील जो वैल्यूज हैं, जैसे कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि, ये सारे सिद्धांत भारत से ही गए हैं। अगली लाइन में है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीना नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें जो पाला है तो अपने खुले हाथों से हम पर अपनी कृपा बरसाई है। भारत भूमि की जो सस्य श्यामलाम भूमि है, यहाँ पर जो हिमाच्छादित पर्वत शिखर हैं, घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं और 12 महीने बहने वाली 12 मासी नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल सभी संसाधनों से भरा पूरा जंगल, ये भारत की देन है सभी भारतवासियों के लिए और इसीलिए हमें कभी किसी का छीनने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है, तो भारत ही हमारी जन्मभूमि है, हम इसी देश की संतान है, हम किसी बाहर देश से यहाँ नहीं आकर बसे हैं। जैसे कि कुछ विदेशियों का ऐसा कहना है कि यहाँ कुछ लोग आके माइग्रेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है, हम इसी भारतवर्ष की भूमि पर जन्मे इनकी संतान है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पूत यानी कि पवित्र, भुजाओं में यानी कि हाथों में नम्रता, पोलाइटनेस, गर्व होना, प्राउड होना। विपन्न यानी कि गरीब, असहाय। यहाँ कवि कहते हैं भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं, यानी कि उनका जो चरित्र है वो हमेशा से पवित्र रहा है और हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी ही नहीं आई, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है, जो कुछ भी हमने हासिल किया उस पर कभी घमंड नहीं किया, इसीलिए हमारे आचरण में नम्रता हमेशा ही रही है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है,
तो उसकी गौरव, भारत का जो गौरव है यानी कि भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व है, क्योंकि इसे पूरे विश्व ने माना है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सबसे ऊंची है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है, हमेशा तैयार रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय करना यानी कि इकट्ठा करना, अतिथि गेस्ट मेहमान, वचन हमारी बातें, प्रतिज्ञा करना शपथ लेना, टेव अटल आदत की तरह अटल रहना, जैसे हमारी जो आदत हो जाती है कोई कितना भी हमें रोके हम वही काम करते हैं बार बार, तो उसी तरीके से हम प्रतिज्ञा में अटल हो गए। यह कवि कहते हैं यदि हमने धन और संपत्ति का संग्रह किया है तो वो भी किसके लिए, दान के लिए, यानी कि भारतीय जो है वो हमेशा से दानवीर रहे हैं। आपको कर्ण का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कर्ण जो है वो दानवीर कर्ण के नाम से ही जाने जाते हैं। और पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे सभी राजा महाराजा दुखी गरीब और जो बेसहारा लोग थे उन सबकी हमेशा मदद किया करते थे, अब चारों हाथों से उन सभी को दान दिया करते थे। हमारे देश में अतिथियों को सदा ही देवता के समान माना गया है, इसीलिए अतिथि देवो भव ऐसा भी कहा जाता है। तो अतिथि हमारे लिए क्या थे, हमेशा देव के समान थे। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे, जैसे कि भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं, और सत्यवादी जब भी कहीं सत्य की चर्चा होती है तो वहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को नहीं भूला जा सकता है। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूल्य रहा है। तो हम अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहे, जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने वचनों के लिए अपने प्राण की आहुति देने से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो भारत का इतिहास कुछ इस प्रकार था, और वही है रक्त, आज भी वो बदला नहीं है, आज भी हमारे धमनियों में जो रक्त बह रहा है, हमारे पूर्वजों का जो रक्त बह रहा है वो वैसा ही है, वही है देश, ये भारत देश वही है आज भी, वही साहस है, वही हिम्मत है आज भी सब में, वैसा ज्ञान और वैसा ही ज्ञान जो हमारे पूर्वजों का था वही हम सभी वंशजों को उनके द्वारा मिला है, वही है शांति। भारत में आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं, देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। आर्य संतान जो हमारे पूर्वज हैं वो आर्य समाज के थे और हम उनकी ही दिव्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो कवि कहते हैं हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है, हमें खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, अपना सर्वस्व हम इस देश की मिट्टी पर न्यौछावर कर देंगे। न्यौछावर करना, अर्पित करना, समर्पण करना, अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर देना। बच्चों आप सभी इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे वर्ड मीनिंग्स आपको समझ में आ जाए और इस कविता का अर्थ भी आप अच्छी तरीके से समझ सके, ताकि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आप आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे। आने वाली हमारी वीडियोस में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ और उसका PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है मेरे लिए तो प्लीज वो भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं
तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।